हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज दिन की शुरुआत मैंने स्टार्ट कर दी है, ब्लॉग जल्दी स्टार्ट किया है मैंने। तो अभी हॉल की साफ सफाई करी है, झाड़ू वगैरह लगाई है और मैं उधर बर्तन धो रही थी और मोटर चालू भी कर दी है। पानी टंकी में ख़त्म हो गया था तो मोटर भी चल रही है, लेकिन पाइप में पता नहीं क्या हुआ है तो पूरा गीला हो जाता है। तो आज तो धोना भी है बाहर का सब जगह का। देखो ये ना इतना पानी हो गया इसमें, ये देखो, क्योंकि ना ये पाइप यहाँ से लीकेज हो गया है, ये पानी निकल रहा है यहाँ से। तो यहाँ तोशिब बेडशीट बदल रहा है और मैं तोशिब को भी बेडशीट दे देती हूँ। तोशिब बेडशीट बिछा रहा है तो यहाँ किचन साफ हो गया है पूरा और बर्तन वगैरह सब धो लिए। किचन में भी पोछा लग गया। सफाई करी रही थी और छत पे जाना था मुझे झाड़ू लगाने में। दो तीन दिन से आप लोगों से बोली रही हूँ तो वहाँ अटाला पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो इतने में भैया गए अटाले वाले, तो शिफ्ट देने गया हमको। भैया अटाले वाले देखो दिन से पड़ा हुआ था, वो अच्छा भी नहीं लग रहा था छत पे, पहले छत को पूरा साफ करके आ जाऊँगी मैं। तो सारी साफ सफाई हो गई है और बाहर का भी धो दिया और मैं नहा कर आ गई अभी, लेकिन छत की झाड़ू नहीं लगा भाई, क्योंकि मेरा भाई आ गया मामू का लड़का, तो वो भी उधर लेटा हुआ है, तो मैं चाय बनाऊँगी। चाय बन रही है और यहाँ सोना को दूध में तोश खाना थे तो मैं उसको दूध गला रही हूँ। यहाँ सोना के तोश भी गल चुके हैं और चाय भी बन चुकी है, तो फटाफट चाय पी लेते हैं दोनों भाई बहन मिलकर। तो चाय तो मैं वापस ले जा रही क्योंकि वो तो सो गया गाइस, नींद आ गई उसको। और मैं उधर खाना बना रही हूँ, भाई अभी यहीं पे है उधर बिट्टू के रूम में और सोना सो गया है। तो यहाँ मैं पराठे बनाने लग गई हूँ और दाल बनने वाली है। खाना बन चुका है पूरा, पराठे भी बनाए गए, रोटी भी बनाई, दाल चावल। तो दाल में बघार लगा रही हूँ तभी, फिलहाल थोड़ा सा पत्ता तोड़ के ली हूँ अपने पौधों में से। और उधर अभी भाई बैठा हुआ है। दाल का बन गया, मीठा नहीं डालते ना कड़ी पत्ता, तो मुझे दाल का टेस्ट अच्छा लगता है। आप लोग डालते हो कि नहीं दाल में कड़ी पत्ता, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ देखो दाल भी बन चुकी है। तो आज मैंने तीन तरह की दाल मिला के बनाई, चने की, मसूर और तुअर। धनिया डाल चुका है गाइस। रोज मैं ही बनाता हूँ, तो तोशी भाजन का नाम आ जाता है। तो यहाँ खाना खाने लग गए हम और अभी बर्तन में निकाले, खाना खाने नहीं लगे अभी गाइस, जा रहा है मैं बर्तन निकाल रही हूँ। खाना खा लिया है और अब बर्तन धोऊंगी खाने के। और सोना का आज पता नहीं कोचिंग की छुट्टी है या नहीं है, तो माशाल्लाह खाना तो खा लिया, बहुत अच्छा टेस्टी बना था। तो मैं लेटी हुई थी लेकिन एकदम से अचानक से मौसम ऐसा हो गया था, इस बिल्कुल पानी का माहौल हो गया और हवा आंधी चलने लग गई। तो देख सकते हो आप अंधेरा अंधेरा हो गया और अभी इतना टाइम नहीं हुआ, 3 बज रहा, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो मैंने सोचा मैं कपड़े उठा लेती हूँ मेरे, मैंने नहा के धो देती हूँ कभी कभी, या फिर मशीन में तो धोती हूँ। तो लग रहा है कि पानी बहुत तेज़ आएगा अगर आया है तो, क्योंकि आवाज़ें भी बहुत कर रहा है पानी। और कल तो मुझे है ना मशीन लगानी ही पड़ेगी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए और मेरा हाथ भी जल्दी ठीक हो जाए, आप दुआओं में याद रखा करो मुझे गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो ना तो आप अपने परिवार में शेयर करा करो। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो सही नहीं बन रही तो आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं और ज़्यादा सीखूं। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करा करो, क्योंकि जो जो ब्लॉग बनाता है मैं हर बार यही बोलती हूँ कि वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और अगर अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करा करो और शेयर करा करो। 3 बज रहा और देखो धूप बिल्कुल नहीं है, बादल दिख रहे होंगे आपको बिल्कुल कैसे हो रहे हैं, काले बादल हो गए हैं।
और छींटे तो आने लग गए, मुझे ऐसा लग रहा है पानी आने की तैयारी है बिल्कुल। मेरे मुंह पे भी छींटे आने लग गए हल्के हल्के से। और मैं सोच भी रही हूँ कि ना मम्मी के यहाँ चली जाऊँ, क्योंकि ना पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी भी दो दिन से बोल रही है मुझे कि आई नहीं, और बुरखा भी मेरा वहीं रखा हुआ है। मम्मी के यहाँ कपड़े वगैरह सब गाड़ी के अंदर चले गए थे, हम जब बहन को छोड़ने गए थे ना तब, तो वो सब वहीं पे ही है। मम्मी बोल रही कम से कम बुरखा और कपड़े तो मंगा लो किसी से, तो मैंने बोला मैं खुद आऊँगी। तो मैं नीचे जा ही रही थी लेकिन पानी के छींटे ना बहुत बड़े बड़े आ गए, गेट पे भी नज़र आ रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा बारिश हो सकती है। क्या बिट्टू बरसाती डालूँ क्या? पानी तेज आएगा बेटा। हाँ तो इसको भेज दो, शिव को या सोना को किसी को। डाल दी और पूरे घर में अंधेरा हो गया। इतना बाहर मौसम खराब हो चुका है कि पूरे घर में अंधेरा हो गया, मतलब रात लग रहा है गाइस बिल्कुल। तो एकदम ठंडा माहौल हो गया और गायें सारी आके खड़ी हो गई है घर के सामने। पहले ही देखो गाइस, पहले ही आके खड़ी हो चुकी है यहाँ पे ताकि गंदा कर सके, तो मैं इनको पहले भगा देती हूँ। तो हटो, बरसाती डाल के ही गए। थोड़ी इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बरसाती पूरी भीग गई। और गेट देखो और माहौल देखो, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बहुत बारिश का मौसम होता है ना। वो नहीं अभी मिट्टू डाल रहा, और देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं भी पूरी गीली हो गई, और मैं मतलब मेरे कपड़े गीले नहीं हुए लेकिन मैं ना फिर भी मुँह वगैरह ही उसको उधर गेट पकड़ रही थी ना मैं हवा से, तो पूरी गीली हो गई गाइस। और देखो अब बारिश कितनी तेज़ हो रही है। देखो अपनी गाड़ी के सामने रख दी वहाँ पे, तो वो भी समझ में नहीं आया था इतना देर आया तो इतनी तेज़ बारिश हो रही। मेरा भी मन हो रहा नहाने का, और बिट्टू तो है ना नहाने लग गया। इतनी ये हमारे ना पानी आया नहीं, तो क्यारी के अंदर पानी नहीं आता। आवाज़ें कितनी कर रही है पानी कर रही है मुझसे। तो मैंने सामने से गेट खोल दिया, और बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। देखो पानी गिर रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है। किचन में आ गई थी और मैंने बारिश के मौसम में चाय पीने का मज़ा कुछ और है गाइस। चाय बन चुकी है मेरी, तो मैं छत पे आ गई थी। पानी बंद हो गया, मुझे बाहर ऐसे मौसम में बहुत मज़ा आता है ऊपर छत पे आना। तो अभी भी आ रहे हैं हल्के हल्के छींटे तो। और देखो आप कितना प्यारा मौसम हो रहा है सच में गाइस, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और अभी भी आ रहा है देखो छत गीली, अभी छींटे दिख रहे होंगे आपको। तो 8 बज चुका है और अब हम खाने की तैयारी करेंगे। सोना है ना तो खाने के लिए बैठा हुआ है, तो मैं बस खाना गरम करूंगी और थोड़ी सी गरम रोटी बनाऊंगी। और आज बारिश हुई ना तो हमारे यहाँ छोटे छोटे से बच्चे मेंढक के इतने सारे घर में घुस गए, देख सो ना एरिया। तो ये देखो गाइस आपको गिनाती हूँ, एक अभी निकालेंगे उनको, और ये दो तो दिख रहा होगा आपको। और यहाँ देखो टी शर्ट इस पर भी आ गया, पोछे के कपड़े पर भी, तो बहुत सारे मेंढक के बच्चों को। और बाहर तो पता नहीं कितने ज़्यादा होंगे। कहाँ है ओ कूद रहा है सोना, सोना हवल में आ गया। आप दरवाजा नहीं लगा रही हो। किचन तक घुस गया इन्होंने, एंट्री किचन तक कर ली है। बोलिए एक और डस्टबिन, क्या डस्टबिन झाड़ू से बाहर करके आ जा। तो गेट हमने पैक कर दिए हैं, सब नीचे से तो नहीं आएंगे क्योंकि नीचे ना बिल्कुल पैक जगह है, और हॉल में ना मैं यहीं सोती हूँ ज़्यादातर। तो इतने सारे मेंढक अभी निकाले, और फिर देखो कितने तीन तीन आ गए आपको दिख रहे होंगे। तो खाना खा लिया हमने, और हम खाने ही खा रहे थे, और सामने आंटी के यहाँ से आज दशहरा है ना, तो वो सब दशहरा की बधाई देने आ गए। तो अब वो लोग तो चले गए लेकिन मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मिलना ज़रूरी है गाइस। त्यौहार तो सभी के त्यौहार ही होते हैं। तो आप सब लोग भी अगर मेरी ब्लॉग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो तो आप सबको भी दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो इसलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ अभी। तो मैं तैयार हुई गाइस, अभी मुँह धोया, अच्छा लगता ना ऐसे जाओ, तो इसलिए गाइस उनसे मिलने जा रही हूँ अभी, क्योंकि अब घर पर बुलाऊँगी ना, सब पूरी फैमिली आ गई थी
अब घर पे बुला मिला तो अच्छा नहीं लगेगा, अब उनसे मैं खुद मिल के आती हूँ। तो आज इधर हमारे इधर पता ही नहीं चला कि आज दशहरा है और ये आ गया। चलो अपन चले तेरे घर। तो ये आ गया, तो मैं आ गई हूँ गाइस सामने से उनके यहाँ से दशहरे की बधाई दे के। ये एक्शन मार के नहीं, और ये ना गाइस देखो वहाँ से अभी उन्होंने फिर ये मीठा भेजा है वहाँ से, तो वो अभी दे के गई मुझे। मैं आई जब तो नहीं, फिर वहाँ पर दे गई। तो गाइस आज दशहरा है तो पता ही नहीं चला कि आज यहाँ दशहरा है। हम पहले उधर रहते थे ना, सब मालूम पड़ जाता था कि आज दशहरा है। पानी आ रहा था ना इसलिए। तो गाइस आज की वीडियो का यही एंड कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। मजे आते हैं। गुड नाइट।